रब को याद कर बंदे, बुरी बातों से डर बंदे। रब को याद कर बंदे, बुरी बातों से डर बंदे। जहाने की मोहब्बत है वहीं उसका है घर बंदे। नदी तालाब है जितने, यही सबका फसाना है। समंदर से निकलना है, समंदर में समाना है। है हर घट में उसी का जल, हर घट में डर बंदे। जहाने की मोहब्बत है वही उसका है घर बंदे। दुखों ने आज घेरा है, यहाँ कल सुख भी आएंगे। अंधेरे चीर कर एक दिन उजाले गुनगुनाएंगे। दुखों से हो न यूं पागल, ओ दुखों से हो के साथ थोड़ा चल। रब को याद कर बंदे, बुरी बातों से डर बंदे। जहाने की मोहब्बत है वही उसका है घर बंदे। सैनी रे, इस ऐसे कहूंगी तेरे लिए पानी भरने वाली रख ले। तुझे मेरी बड़ी फिक्र लगी है वेनी। नहीं रे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तेरे कंकुवरने हाथों में छा लेना पड़ जाए। चल है, मेरे हाथों का जो रहने दे अभी। थोड़ा पानी मिलेगा? परे हट। क्यों, क्या हुआ? कौन जात का है? प्यासे की कोई जात नहीं होती है, प्यासा तो सिर्फ प्यासा होता है। अच्छा अच्छा, रहने दे अभी। अरे पिला देना पानी, तुझे बड़ी पीर उठ रही है, तू ही पिला देना। चल हाथ धुला। धनभाग, धनभाग मेरे। ये तुझे कभी कभी क्या हो जाता है? बड़ी हितालु हो रही है तो उसके लिए? सच ही तो कहा था उसने, प्यासे की कोई जात नहीं होती, प्यासा सिर्फ प्यासा होता है। अच्छा बस बस, रहने दे ये बखान। अगर तुझे उस जैसा सुंदर वर मिल गया तो? ऐसा ऐसा आदमी तो मैं गोबर उठाने के लिए भी न रखूं।
रुक क्यों गए? ऐसे ही। कितना रस है तुम्हारे सुरों में। वाह, घर जा रहा था अपने, तुम्हारे सुरों के जादू ने पैरों में कड़ियां डाल दी, खींचा चला आया। कहां के हो भाई? बैणप गांव का। बैणप? यहां इतनी दूर कैसे? हमारे गांव में काल पड़ गया था, लोगों को ही रोटी पानी की दिक्कत हो रही थी, तो इन गाय भैंसों को कौन पूछता, इनको लेकर अन्न और जल की तलाश में निकलना पड़ा। अंधेरा घिराया था तो यही डेरा डाल दिया। तो यही रुक जाओ ना, यहां ना अन्न की कमी है न ठंडे मीठे पानी की, और भाई अगर बुरा नहीं मानो तो तुम तो मेरे ही घर में रुक जाओ। तुम्हारे घर? हाँ, क्यों? नहीं, अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, मेरे साथ तो मेरा पूरा कुनबा है ना। इनको खिलाने से मेरे घर में घाटा थोड़ी ही पड़ जाएगा, तुम्हारी तरह ये भी मेरे पावने हो जाएंगे। पावने एक दिन के अच्छे लगते हैं। मुझे किसी आसरे की तलाश है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे भाई, बोझ कैसा, अपने घर के ढोर डांगरों के साथ 10-20 घरों के ढोर डांगर और दिलवा दूंगा, अब तो ठीक। ऐसा है तो अब चलो, माँ बाट देख रही होगी। मैं बीजा हूं, बीजानंद। बहनिया, चल चल। चलो। ये लो साग लो। नहीं नहीं, बस। नहीं नहीं क्या रे, इतने से साग से सारा खाना खाएगा क्या? नहीं जी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? सच बोलूं तो ऐसा स्वाद भरा खाना खाने की आदत ही नहीं रही। और फिर जिस प्रेम के साथ तुम खिला रही हो, तो समझ में नहीं आता कि खाना खाऊं कि तुम्हारे प्रेम को देखूं। माँ हूं, प्रेम से तो खिलाऊंगी ही, और निया और तुझ में कोई फर्क थोड़े ही है, जैसे निया वैसे तू भी मेरा बेटा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो आने को तैयार ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से खींच के लाया हूं। मुझे ये थोड़े मालूम था कि यहाँ माँ होगी। अरे वारे, माँ तो होती, और अब तो इसने तुझे भी अपना बेटा मान लिया है। हाँ, तभी तो जब से यहाँ आया हूँ मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं छोटा सा बच्चा हो गया हूँ। बच्चा ही तो है तू, कितना भी बड़ा हो माँ की गोद के लिए छोटा ही रहेगा। चल खा। दिखता है गाँव में? बहुत बढ़िया, सही बात है। सर्वजम करमशील सच्चै कुचम गौर मुखम कुलाचंद्र लज्जै महारुद्र चिंतम कटाक्षम ब्रह्मस्ते नमस्ते 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली जय बजरंगबली। प्रधान जी, एक अर्ज करनी थी प्रधान जी आपसे। बोल भाई। आपके कुएं के पानी की एक धार मेरे खेतों की तरफ आ जाती तो हुक्म फसल अच्छी हो जाती। अरे पानी तो कुदरत की नेमत है रे,
मन चाहे तो पूरा कुआं ही ले जा। अरे इसमें क्या है? बाजरा है सा। बाजरा क्यों? वो पिछले साल उधार लेकर गया था ना, वही लौटाने आया हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी, आ जाता। अरे सैनी, पुजारी जी से कहना इस साल की बड़ी पूजा हमारी तरफ से होगी। हाँ जी सर। और जेठा कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना? ठीक है पुजारी जी। दो ढाई महीने की बात है, उसके बाद स्थिति सुधर जाएगी। हाँ बेटे। बाबा जीसा ने कहलवाया है कि इस बार की बड़ी पूजा हमारी तरफ से होगी। बहुत अच्छे बेटे। जी किसी की सूरत ही नहीं, आंखों तक में कालक चढ़ी रहती है। चल वैनी। क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है। एक बात बता, आदमी बड़ा कब होता है? अपने रूप और धन से या कि अपने गुण और कर्म से? ये तो अपनी अपनी सोच पर है। तेरी सोच क्या है? वही जो तेरी है। कोई बात घुट रही है मन में तेरे, निकाल क्यों नहीं देता? रूप और धन देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ने उसे जैसा भी बनाया, आदमी उसे बदल नहीं सकता है। आदमी के हाथ तो गुण सीखना और अच्छे काम करना है। इन दो बातों को देखकर किसी से घृणा करो तो कोई बात भी नहीं। भगवान की दी हुई चीज पर क्या घमंड और क्या घृणा। ऐसा कौन है जिसे तुझसे घृणा हो गई है? है एक। कोई नाम तो होगा उसका? हाँ है तो। जिस दिन भी गुणों के उजारे से उसके मन का अंधेरा हटेगा तब बताऊंगा उसका नाम। सो जा। Thank you.
ये खा ले। तू खाएगी? अरे खा ले ये खा ले, ताजी है। अच्छा अच्छा, पेट भरा लगता है तेरा। हाँ सही बात तो है, भर पेट खाना मिल जाता है, ठंडा मीठा पानी मिल जाता है। लोग भी बड़े अच्छे हैं, कितना मान देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। बस एक को छोड़कर, पता नहीं क्यों, कभी मिलेगी तो पूछूंगा उससे। एक बात पूछनी थी आपसे, मेरी बात तो सुनो। देखो घड़ी भर के, तेरी औकात क्या है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ। दाने दाने को तरसता है और मजा लेके तू मेरा रास्ता रोके, पर हट। अरे भाई बीजानंद, यहाँ अकेले में कैसे बैठे हो बिना सुरसाज? अरे ओ बीजा, अरे कहाँ है रे भाई? तो माँ कब से खाना लिए बाट देख रही है। चल। हाँ चलो चल। राम राम पंडित जी। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ वो बात तो मैं समझ गया पंडित जी, आपके रहते हमें किस बात की चिंता, मंदिर का सारा काम तो आप देख ही लेंगे। हमें तो ये बताओ कि इस बार बड़ी पूजा के लिए किस कीर्तनिया को बुलवाना है? प्रधान जी ये तो हमने पहले ही सोच लिया। पहले ही सोच लिया, हमें बताए बिना? प्रधान जी शायद इसी शुभ घड़ी के लिए भोलेनाथ ने बीजानंद जैसा कलाकार अपने गांव में भेज दिया है। बीजानंद? कौन बीजानंद? है एक सुरों का पुजारी, सरस्वती का सच्चा भगत। जब अपने सुर छेड़ता है ना प्रधान जी, तो गाय भैंसे भी चरना भूल कर उसके और खींची चली आती हैं। सरस्वती के इस प्रसाद को चखने का हमें भी तो मौका दो, हम क्यों पीछे रह जाएं? मेरा तो भाई बना है प्रधान जी, आप कहें तो कल ही ले आऊं। काल करे सो आज कर। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली पंडित जी, अब बड़ी पूजा तक हमसे सबर नहीं होगा। बीजानंद को हमारे घर ले आओ आज रात ही। जो हुक्म प्रधान जी। Thank you.
संसार। लेकिन किसे ने जाना सच्चा रूप है तन के पार, सच्चा रूप है तन के पार, सच्चा रूप है तन के पार, सच्चा रूप दिखा दो मेरे राम जी, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी, सब कुछ तज के आने से पूरी। वाह बेटा वाह, जीते रहो, ईश्वर तुम्हारी साधना को सफल करे। क्यों प्रधान जी? पुजारी जी, आप गलत कहते थे कि बीजा सरस्वती का भगत है। अरे यहाँ तो सरस्वती स्वयं कंठ में विराजती हैं। मैं तो सरस्वती का एक छोटा सा सेवक हूँ प्रधान जी। इस गांव में आकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे माँ की गोद में आ गया हूँ। तुम तो सच्चे हीरे हो बेटा। जुग जुग जियो बीजा, जुग जुग जियो। धनभाग, धनभाग मेरे। ठीक कहती है वैनी,
पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। मैं अब छोड़ भी, चल जा, माफी मांग ले। किस मुंह से? गुड मत, मंदरपंड की धुंध को हटा। मन, मन की बात मान लो। क्या बुराई है, माफी मांगने से तो छोटी नहीं हो जाएगी। माफी तो मांगनी ही है, पर मैं तो सैनी, क्या तू राजो? दो घड़ी बात सुनोगे? हुक्म? हुक्म नहीं, अरज करनी थी। अरज? हाँ अरज, मुझे माफी दे दो। माफी किस बात की? अपनी करनी की। जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ, मेरी आत्मा पर बोझ है, चैन नहीं। मैंने रूप को देखा, आपके गुणों को ना पहचान पाई। मन की आंखें खुली तो मुझे लगा कि मैं किस अंधेरे में भटक रही थी। बहुत बोझल ये सब, बहुत। मुझे माफी देकर इस अंधेरे से निकाल दो। अब अंधेरा कहाँ है, चारों तरफ उजियारा है। ऐसा उजियारा जिसमें मुझे अपने ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया, मेरे सुरों की साधना सफल हो गई।
चलिए सेठ जी लाइए सरकार। ये रही मेरी बाजी। ये आए प्रधान जी। राम राम पंडित जी। आओ नहीं आओ। राम राम लाइए। बोनिया तेरा जोरदार कहाँ है? होगा कहीं अपनी धुन में मगन। भाई कलाकार तो ऊंचे दर्जे का है, हम उसकी रोटी पानी का इंतजाम करना चाहते हैं। मैं कुछ अर्ज करूं हुकम? हाँ हाँ बोल, तेरा तो हक बनता ही है। आप पीछानंद की मदद करना चाहते हैं? अच्छी बात है, लेकिन उसके स्वभाव को मैं जानता हूँ। स्वभाव का तो बहुत चौका आदमी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं पंडित जी, पीछानंद बड़ी आन वाला आदमी है, किसी की मदद पर उसका भरोसा नहीं। मदद का मतलब मान सम्मान करना है निया, हम सब उसकी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। बीझा तो फक्कड़ मलंग है और कलाकार का मान सम्मान उसकी कला की वाहवाही में है। रुपए पैसे सोने चांदी से पीछानंद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे पीले रंग की चमक के आगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी झुक जाते हैं निया। जो झुक जाए वो क्या राजा क्या महाराजा, पीछानंद के पास तो वो चमत्कार है जिसके सामने सोने चांदी की चमक भी फीकी पड़ जाती है। निया हम मानते हैं बीझा बड़ा कलाकार है, पर है तो आदमी ही, किसी दूसरे लोक से तो नहीं आया। हुकम बीजानंद जैसी आत्माएं तो परलोक से ही आती हैं, दीन दुनिया की मोह माया उन्हें बांध नहीं सकती। चलो माना परलोक से आया है, पर आया तो इस लोक में है, अब आया है तो बनना भी है। बीजानंद कुदरत की देन है प्रधान जी, और कुदरत की देन को कौन बांध सकता है। ऐसी बात है तो जा बुला ला, हम भी देखें तेरी कुदरत की करामात। हुकम। और सुन जी, हम भी तुझे वचन देते हैं, प्रधान के घर से तेरा बीजानंद खाली हाथ नहीं जाएगा। चलिए सेठ जी। हाँ जी सरकार। जय राम जी की। राम 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 बैठे भैया। हुकम फरमाओ साहब।
बीजा तू परदेसी है, कुछ दिनों में यहां से चला जाएगा, हम तेरे गुणों को याद करके तुझे भी याद रखेंगे। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, मैं तो एक गरीब ग्वाला हूं, मेरे पास सुर की साधना के अलावा कुछ भी नहीं। अरे तेरे पास जो है वो हम में से किसी के पास नहीं है, हम तुझे भेंट देना चाहते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। देख मेरा मन रख ले, जो चाहे सो मांग ले। हुक्म मुझे कुछ मांगने की चाह भी नहीं है। मांग ले बेटा, जब वेदा जी कह रहे हैं तो दे ही देंगे। देने वाला एक है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम खुद पे करें और बोले ऊंचे बैन। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। खाली बातें ही नहीं, मांग, जो मांगेगा वही दूंगा। वेदा जी मैं जो मांगूंगा आप वो मुझे दे नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, मैं दे नहीं पाऊंगा? ये घर कुआं खेती बाड़ी सोना चांदी जो मांगेगा वही दूंगा, नहीं दूं तो वेदा प्रधान मत कहना। मुझे जो चाहिए वो इन सबसे अनमोल है प्रधान जी। वो कौन सी अनमोल चीज है जो मेरे पास नहीं है? मांग, अभी देता हूं इन सबके सामने, ये मेरा वचन है। ठीक है, देना ही है तो मुझे सैनी दे दीजिए। बीजानंद, होश मत खो, अपनी औकात पहचान। बेटी दे दू तुझ जैसे भिखारी को, घर में खाने को दाने नहीं है और सपना देखता है सैनी जैसी राजकुमारी का। हुक्म आपने ही जोर दिया, आपका ही वचन था। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे नहीं पाए। बीजानंद शांत रहिए प्रधान जी, खरी बात तो यह है कि आपने इसको मांगने को कहा और इसने मांग लिया। ये आपको क्या हो गया सेठ जी, आखिर आप लोग चाहते क्या है? हमारे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता, बात है उसूल की, वचन की, कॉल की। आपने वचन दिया, अब आप उसे निभाइए। प्रधान जी हम सब लोग आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है मैं वचन से बंधा हूं, माना, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जिस दिन ये सैनी से शादी करने आए इसके पास 109 चंदी भैंसे होनी चाहिए। 100 भैंसे? 100 भैंसे नहीं, 109 चंदी भैंसे। बोल मंजूर है? हाँ जी मंजूर है। ठीक है, क्या मैं तुझे 1 साल का समय देता हूं, लेकिन याद रखना अगर 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो मेरा वचन मेरे पास। चाहे कुछ भी हो जाए प्रधान जी, 1 साल पूरा होने से पहले ही 109 चंदी भैंसे आपके खूंटे पर बंधी मिलेंगी। जय सियाराम। सुनो भाई, हाँ, यहाँ किसी के पास 9 चंदी भैंस होगी क्या? 9 चंदी भैंस? हाँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ से 8 कोस दूर पर एक गांव है, वहाँ मिलेगी आपको 9 चंदी भैंस। अच्छा ठीक है।
है कौन ये? पता नहीं तो वो इनसे बिना। अरे भाई उठ क्यों रहा है? नहीं 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 सो जा नहीं नहीं भैया मुझे जाना है। नहीं वैजी ने मना किया है, सो जा। चल सैनी, देख नहीं रही सूरज डूबने वाला है? आज भी उनके दर्शन नहीं हुए। अपने आप को मत जला सैनी, पता है तुझे कैसी हालत बना रखी है? मेरी हालत का क्या, अभी सांस तो बाकी है। अपने आप को संभाल सैनी, अपने लिए ना सही बीजा की तो सोच। वो मुझसे अलग कहाँ है? मैं ही तो बीजा हूँ वैनी, मैं ही तो बीजा हूँ। वेदा, थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है, अगर पीछा आ गया तो? चिंता मत कर वेदा, बीजा के पुरखों की भी हिम्मत नहीं कि 100 नौचंदी भैंसे लेकर आ जाएं। पर तूने तो वचन दिया है, क्या करेगा तू? कैसे करेगा गांव वालों का सामना? नहीं, कुछ नहीं होगा वेदा, चिंता क्यों करता है? तू तो प्रधान है, वेदा प्रधान। अगर वो आ गया तो गांव वालों के सामने तेरी इज्जत के कांकरे हो जाएंगे वेदा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीसा, क्या बात है बेटी? जीसा, सूरज अस्त हो गया। अस्त हो गया? अब मुझे कोई चिंता नहीं, 100 से जो बोझ था उतर गया। अब ना मैं किसी वचन से बंधा हूं, ना किसी बोल से। अब मैं अपनी राजकुमारी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। जीसा, मन का मोल बार बार नहीं हो सकता। मैं तो बीजा की हो चुकी हूं, वही मेरा भविष्य है, भाग्य है, वही मेरी मांग का सिंदूर, मेरी सांस, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ। अब मैं रुकूंगी नहीं, रुकना तो पाप है जीसा। अब इस पखेरों को उड़ने दो, मुझे जाना है जीसा, मुझे जाना है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? कहां जाना चाहती है तू? सूरज के द्वार। क्या हो गया है तुझे? स्वर्ग के द्वार जाना चाहती है मुझे छोड़कर? क्यों जीसा, जब मुझे डोली में बिठा कर विदा करते तब भी मैं आपको छोड़कर चली जाती, चाहती ना जीसा? नहीं, नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जानने वाला कहां रुकता है जीसा? जीसा, जीसा मुझे मेरा परलोक तो सुधारने दो। बेटी,
रुक जा सहरी, कोई रोको इसे, ये स्वर्ग के द्वार जाना चाहती है। कोनी को कौन टाल सकता है प्रधान जी? नहीं नहीं बेटी। जीसा, इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी मैं आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। वो नहीं आए, समय पूरा हो गया जीसा, अब यहां रुक कर क्या करना? माटी को माटी में मिलने दो जीसा। जीसा, जीसा कहा सुना सब माफ कर चु, सहरी रुक जा मेरी बच्ची, भाभी सा, उठो घर जाओ, कब तक क्यों बैठी रहोगी? कैसी होगी मेरी सहेली, कहाँ होगी मेरी फूल सी सहेली? नहीं भाभी सा, नहीं ना, यूं रोके सहेली के लिए उसके त्याग और बलिदान का अपमान मत करो। अरे वो तो प्रेम रंग में रंगी राधा सी रूपाली और मीरा सी दर्द दीवानी, और ये तो विधवा का खेल है भाभी सा। रूप और गुण के सुंदर मिलन का खेल, यही मेल सच है भाभी सा, यही सुंदर है। सैनी और पीछा तो बने ही एक दूसरे के लिए, और भगवान ने हमें इस अनोखे मेल का साक्षी बनाया, यही हमारे लिए क्या कम सौभाग्य की बात है? और सौभाग्य पर रोना अशुभ होता है भाभी सा, असगुन होता है। बस एक ही कांटा हिया में खट, अगर कहीं मेरा सखा, मेरा भाई बीजा आ गया तो मैं प्रधान जी है? मैं आ गया, पूरी 100 109 चंदी पैसे, चलिए उठ के देख लीजिए आपके कोठे से बंदी है। मैंने अपना वचन पूरा किया, हुक्म समय आ गया है कि अब आप अपना वचन पूरा करें। तू बहुत देर से आया पीछा। आप इतने कठोर मत बनिए प्रधान जी, सिर्फ एक दिन की देरी के लिए मेरे पूरे जीवन को अंधेरे में मत धकेलिए। अंधेरे में तो मैं गिर गया हूं, कल का सूरज अस्त होने तक जब तू नहीं आया तो सहनी, मेरी सहनी, मेरी हंसनी, सब आस छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग के द्वार चली भी गई? मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों ने बहुत दुख उठा। दुख सुखों में मगन होकर तो आदमी भगवान से दूर हो जाता है,
दुख तो आत्मा का महल धोकर उसमें एक नई जोत जगाते और इस जोत के उजियारे में ईश्वर के दर्शन होते। ईश्वर का यही दर्शन तो प्रेम है। आप हमारे दुखों का कारण है, ईश्वर से मिलने का एक साधन बने। तुम दोनों को अलग करके हम अलग कहाँ है। मैं ही तो सैनी हूं, मैं ही पीछा तन रबाब मन खींगरी और रगे भई सब तार, रोम रोम सुर देत है सो बाजत नाम त्यार। सैनी मेरी सुन ले पुकार।
सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार, सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार, सुन ले रे बीजा मेरी, सुन ले पुकार। सनी 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 पीछा, पीछा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। मैं जानती थी तुम जरूर। सनी तेरे जीसा को पूरी 109 चंदी पैसे देकर आया। चल उठ, चल उठ। नहीं नहीं पीछा, अब नहीं। मेरा तो आधा अंकल चुका है, अब तो चलना। बीचा अब नहीं, कहीं नहीं। अरे बस, मैं तुझे अपने कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा, सारी उम्र इन्हीं कंधों पर रखूंगा। चल चल मेरे साथ। ना बीचा ना, अब तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो बीचा। बीचा उन्हीं सुरों को छेड़ दो जिन्होंने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। उन्हीं सुरों को छेड़ दो पीछा, अब तो मेरी आखिरी सांस उन्हीं के लिए है। हाँ सड़ी, उन्हीं के लिए है पीछा। हाँ।